जब से हम लोगों के फोन में एंड्रॉइड पाई की अपडेट देखने को मिली है, एंड्रॉइड वर्सन पाई की अपडेट देखने को मिली है MIUI की डिवाइसेस में, तब से गाइज हम लोग जब भी किसी भी कस्टम रोम को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तब हम लोगों के डाटा को इरेज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से गाइज हम लोगों के डाटा में काफी लॉस होती है और काफी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी मेथड बताने वाला हूँ और एक ऐसी रिकवरी के बारे में बताने वाला हूँ जो हम लोग रेडमी नोट 6 प्रो के लिए अवेलेबल है। जिस रिकवरी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग कोई भी डाटा एरेज नहीं होगी। आप देख सकते हैं जितने भी डाटा मेरे फोन में भी आपको देखने को मिल रही है, जितनी भी एप्लीकेशन देखने को मिल रही है, सब मेरे फोन में आप लोगों को दिख जाएगी, कोई भी डाटा लॉस नहीं होगी मेरी। मैं इस रिकवरी को भी अपने फोन में इंस्टॉल करूंगा और उसके साथ ही साथ मैं अपने डिवाइस को रूट भी करूंगा, और रूट करने के बाद गाइज हम लोग अपने फोन में काफी सारे और भी इंटरेस्टिंग थिंग्स को कर सकते हैं, तो उसके बारे में गाइज हम लोग बाद में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ कस्टम रिकवरी को फ्लैश करके दिखाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए ओनीटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर पाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर मैं आप लोगों को सेटिंग में ले जाकर गाइस दिखा देता हूँ, नोट 6 प्रो को मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ जिसमें एंड्रॉइड वर्सन आप लोगों को देखने को मिल जाती है 9 और MIUI वर्सन देखने को मिलती है 9.5.9। तो गाइस किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपकी डिवाइस की बूट लोडर अनलॉक होनी चाहिए। तो बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है, लिंक आप लोगों को ऊपर यहाँ आई बटन में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से चेक कर लेना। अब गाइस हम लोग डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद इस USB डिबगिंग को इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद गाइज हम लोग जाएं अपने फोन को फास्ट बूट मोड में ऑन करेंगे। तो फास्ट बूट मोड में ऑन करने के लिए गाइज काफी सारे मेथड है, मैं सबसे इजी मेथड बताता हूँ कि रिबूट वाले बटन पर टैप करेंगे और वॉल्यूम डाउन बटन को तब तक प्रेस करेंगे जब तक हमारी फोन फास्ट बूट मोड में कनेक्ट नहीं हो जाए। तो देख सकते गाइज फास्ट बूट मोड मेरी फोन ऑन हो गई है। अब मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की तरफ लेकर दिखाता हूँ कैसे हम लोग इसे अपने फोन में इंस्टॉल करें। तो गाइज लैपटॉप या पीसी में जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल की जरूरत पड़ेगी गाइज मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे प्लेटफॉर्म टूल्स को, आप लोग उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से फोल्डर देखने को मिलेगी, इसे ओपन करेंगे। ओपन करते गाइज देख सकते हैं इस तरह की इंटरफेस देखने को मिलेगी। उसके बाद ऊपर हम लोग एड्रेस बार में टाइप करेंगे CMD। CMD टाइप करने के बाद इंटर मारेंगे तो हम लोग को यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट की पेज खुल जाएगी। उसके बाद गाइज यहाँ पर हम लोग अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड में ऑलरेडी बूट कर चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से डाटा केबल से कनेक्ट करेंगे। तो डाटा केबल से कनेक्ट करते हैं गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग की डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ नीचे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गई। अब वहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कन्फर्मेशन के लिए, फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस देकर इंटर करेंगे तो वहाँ कनेक्ट हुई है या नहीं, यहाँ पर हम लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं फास्ट बूट हम लोग कनेक्ट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर डिवाइस आईडी शो हो रही है। अब दोस्तों हम लोग अपने अपने फ़ोन में रिकवरी को फ्लैश करेंगे। तो रिकवरी फ्लैश करेंगे गाइस कमांड टाइप करेंगे फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी और इस रिकवरी को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इंटर मारेंगे गाइज। इंटर करते गाइज देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग की फ़ोन में कस्टम रिकवरी फ्लैश हो गई है। अब दूसरा काम हम लोग अपने डिवाइस को कस्टम रिकवरी में बूट करेंगे, तो फिर कमांड देंगे फास्ट बूट स्पेस और इस रिकवरी को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जैसा गाइज मैंने इस वीडियो में किया है। आप लोगों को सेम स्टेप्स फॉलो करनी और इंटर मारेंगे। इंटर मारते गाइज देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस हो चुकी है, अब हम लोग की डिवाइस कस्टम रिकवरी में बूट हो चुकी है। आप लोगों को फिर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अब गाइस चलते हैं अपने डिवाइस की तरफ, मैं आप लोगों को उसमें दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं अपने रेडमी नोट 6 प्रो की डिवाइस में कस्टम रिकवरी में बूट कर चुका हूँ TWRP टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट। अगर मैं आप लोगों को स्टोरेज में लेकर दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग की सभी फाइल आपको देखने को मिल जा रही है। स्टोरेज में अगर मैं आप लोग क्लिक करके दिखाता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और सभी फाइल यहाँ पर काम करती हुई आप लोगों को दिख जाएगी। अपने फ़ोन को रूट करके दिखा देता हूँ, कस्टम रिकवरी फ्लैश हो गई। उसके बाद गाइज ये वाली मैजिक जो है इसे मैं क्लिक करके यहाँ से स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर देता हूँ। फ्लैश करते गाइज ये जो कस्टम रिकवरी आप देख रहे हैं यह परमानेंट के लिए हम लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप लोग मैजिक को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपकी जो कस्टम रिकवरी है ये नेक्स्ट बूट में रिमूव हो जाएगी। तो देख सकते गाइज यहाँ पर मैजिक भी हम लोगों की फ्लैश हो गई है। अब मैं यहाँ अपने फ़ोन को रिबूट टू सिस्टम कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को वेरीफाई रूट करके दिखा देता हूँ मेरे फ़ोन की नोट 6 प्रो रूट है या नहीं है। तो यहाँ परमिशन ग्रांट मांग रहा है, मतलब मेरी डिवाइस रूटेड है। कॉन्ग्रेचुलेशन, रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस। तो इस तरह से गाइज आप लोग अपने किसी भी Xiaomi की डिवाइस को रूट तो कर सकते हैं और अगर आपके रेडमी नोट 6 प्रो की डिवाइस में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने में इशू हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो गाइज आप लोग मेरी इस वाले मेथड को फॉलो करके अपने रेडमी नोट 6 प्रो में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइज जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स है इस कस्टम रिकवरी की मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये ट्रिक अच्छी लगी है और ये छोटी सी ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए और लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर काला कर दीजिए।